बीरतपुर स्वागत। तालचेर नरहत्ता दत्ता को ट्रांकुलाइज पर दांत कटा जा प्रोफेसर इंद्रमणिनाथ और नंदनकानन विशेषज्ञ माने नरहत्ता दंता को ट्रांकुलाइज कर दंता हाथी आक्रमण में पांच जन मृत्यु होता। गुरुवार राति हाथी आक्रमण में सेंढ गांव गोटे पर चार जन मृत्यु होता। घर बारंडार शोवा बेले दौड़ी हाथी फल गोटे पर चारज मृत्यु होता। सेपर सतपड़ा जे वृद्ध को कचाड़ी मारी दंता हाथी ब्राह्मणी नदी पार हो हाथी आसी एठार भंगारुजा करने आतंक सृष्टि कर बाघर मिठा एवं सर्बत पी 140 जन असुस्थ। सुंदरगढ़ राजगांगपुर लाठीपड़ा भोजी खाए असुस्थ होती 140 जन एमानक मध्यरे 40 रु अधिक शिशु अछंति। सर्बत पीवा परे लोकमानक पेट बथा आरंभ होइथिला। असुस्थक मध्यरु दुई शिशु गुरुतर थिबा जणा पड़िछि। सेमानकु परावुर केला स्थानांतर करा जाइछि। राजगांगपुर डाक्टरखाना रे मध्य भर्ती होइछंति किछि असुस्थ। काल हैला अदिनिया काल बैशाखी जनित वर्षा एवं कुआपथर माड़। बरगढ़ जिला विजयपुर ब्लक्र 10 गाँव में शताधिक चाषी व्यापक टमाटो बैगण बीन्स झुड़ंग सोरिष चीनाबादाम डाली फसल क्षतिग्रस्त हो अदिनिया काल बैशाखी माड़े पुणी घायला होती बरगढ़ जिला विजयपुर ब्लक्र चाषी। प्रबल पवन और कुआपथर माड़ चाषी व्यापक रबि फसल और पनीपरिया चाष साजिश काल। विजयपुर ब्लक बुड़ापाली भैरवपुर पिपिलीपाली कंधरा आदि गाँवर शताधिक चाषी धान और डाली जातीय फसल सह टमाटो कखारु झुड़ंग बीन्स सोरिष चीनाबादाम फसल हो क्षतिग्रस्त। गछ पतर छिड़ी कर धान 400 हेक्टर उपरे हवा पूरा सब नुकसान हो जाए। धान बहुत नुकसान होगा। बैगन अच्छे भेड़ी अच्छे पातलघटा अच्छे आमर गाँव पूरा चाषी न सब निर्भर करसन। रबिर भले लुन आनीचु और चाष करीचू से लगी केन्दा सुझमु जे सरकार के गले आम कि कही न पार्बा। सब तो करा पथर धान पिची दीजिए आज्ञा गुठे नैन आरु मुग कर दि एकड़ मुग भी गला याद कल के झी बटाबार अच्छे सोसाइटी रु लुन आनीचु 80,000 पब्लिक नु आनीछा 50,000 टाँह केन्ता कर छुटमु आर काँ करमु ये आम। पनीपरिया चाष पर निकटस्थ सोसाइटी और ब्यांक ऋण करी एवं मुंडे हाथ दे बसी विजयपुर तहसिलदार क्षतिग्रस्त अंचल परिदर्शन करते अनुध्यान रिपोर्ट मिलवा पर सहायता प्रदान जिलापाल कहते बहुत अंचल कुआपथर तथा वर्षा होता पदमपुर अंचल संध्या बेला सकाल किसी वर्षा होता जो क्षति फसल तक आम कृषि विभाग द्वारा प्राथमिक तदंत करूँ पदक नौ से सहायता प्रदान करने तुरंत चाष क्षयति आकलन सह ऋण छाड़ करने को दावी करिछंती क्षतिग्रस्त चाषी। बरगढ़ जिला भैरवपुर रंजन कुमार देवता न्यूज 18 ओडिया। आसंता तीन दिन पर्यंत ताती मिल त्राही। सारा राज्य में कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा हेबो जहां प्रभाव में कमी तापमात्रा। आसंता 24 घंटा रे मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा कटक कालबैशाखी प्रभाव में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबो। इस समय रे पवन बेग 30-40 किलोमीटर रहिबो। एथिसह किछि स्थान रे कुआपथर वर्षा हेबार संभावना थिबा पूर्वानुमान करिछि पाणिपाग विभाग। सेपरि आभ्यंतरीण ओडिशा सह उपकूल ओडिशार खोर्धा पुरी नयागढ़ गजपति कंधमाल अधिक वर्षा हेबार संभावना अछि। 23 तारीख रु पुणी ताती बढ़ियो बोली पाणिपाग विभाग कहिछि। बालासोर भद्रक जाजपुर जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा कटक बालासोर कंधमाल एंड गंजाम ये डिस्ट्रिक्ट्स में आपका एक दो जगह में थंडरस्टॉर्म का साथ गस्टिनेस विंड एंड हेलस्टॉर्म होने का भी चांसेस है। ब्रह्मपुर रे 2 वर्ष रे थरे आसे मां बूढ़ी ठाकुरानी को यात्रा आउ यात्रा रा आध्यात्मिक महात्म्य तो रहिछि किंतु यात्रा को अधिक आकर्षणीय करे विभिन्न प्रकार बेश परंपरा। यहा मध्यरु बाघ बेशर रहिछि स्वतंत्र आकर्षण। एथि सहित जोड़ी होय रहिछि भक्ति भावना सात्विकता कला एवं मनोरंजन। चलो तो देखिने बाघ बेश को नै ए रिपोर्ट टी ब्रह्मपुर ठाकुरानी यात्रा रे बाघ बेश केही केही मानसिक रखी और अन्य केही भक्ति रे ए बेश होइथांति। संपूर्ण सुधपूत भाव प्रथम संपृक्त व्यक्ति माँ को अस्थायी पीठ रु आगे आनते यहाँ पर आरंभ हुए बेश
ବେଶ ଧାରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀରେ ଚାଙ୍ଗୁ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ନାଚେ ସାତଟି ଘରୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ମେଲାଣି। ତାପରେ ମାଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ବାଘ ବେଶଧାରୀ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଆଦାୟ କରିଥିବା ମେଲାଣିକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିତ୍ରକର ମାନସିକ ଧାରୀଙ୍କୁ ବାଘ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ମାନସିକ ଥିଲା ଯାହାକି ଆମର ଦେହ ମୋର ଖରାପ ଥିଲା, ଦେହ ଭଲ ହେଲେ ଗୋସାଇମା କହିଥିଲେ କି ତିନି ପାଳି ପାଇଁ ବାଘ ବେଶ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଦୁଇ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ। ମୋର ଥରେ ପକାଇଥିଲି 2017 ସେକେଣ୍ଡ ପାଳି ପକାଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ମୋର। ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା। ଏଠି ଯାହା ମାନସିକ ରଖନ୍ତି, ମାନସିକ ବେଶଧାରୀମାନେ ମାନସିକ ବେଶ ପଢ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ବି ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ବୋଲିକି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାନସିକ କରିଥିଲି, 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା, ଏଇଟା ସେ ମୋର ଶେଷ ଥର। ବାଘ ବେଶ ଲାଗି ନିଜକୁ ବେଶ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ଲୋମ କାଟିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାପରେ ଶରୀରରେ ହଳଦୀ ଲେପନ କରନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରକର। ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାରର କୌଣସି ମହିଳା ନିଜ ଗୋଡ଼ର ଗୋଟିଏ ପାଉଁଜି ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି, ହାତରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା। ସାଧାରଣତଃ ବାଘ ନାଚ ବେଳେ 12 ପ୍ରକାର ଶୈଳୀରେ ବାଦ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 7ରୁ 8ଟିକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ବାହନ ହେଉଛି ବାଘ। ମା ଏଠି କନ୍ୟା ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ଝିଅ ରୂପରେ। ସେ ଲୀଳା ଦେଖିକି ବାଘ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନାଚି ନାଚି ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରକଟ କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବାଘର ଯେତିକି ନୃତ୍ୟ ରହିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, ଏପରିକି ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଟାଇଗର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାଘ ନାଚ। ବାଘଟା ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ତା'ର ଗେଟ୍ଅପ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ବି, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି ଦରକାର, ତେଣୁ ବହୁତ କମିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଠି ବି ବାଘ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସବୁ ବେଶଠାରୁ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଶ ଏଇଟା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତେଣୁ ଦେଖିବା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ବାଘ ବେଶ ମାହୋଲକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପରିଚୟଙ୍କ ସହ କୈଳାସ ବେହେରା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ସରିଛି, ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।